अस्सलामुअलैकुम बॉलीवुड हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान। और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। ईद की खुशियों का टॉप गियर, मिलना मिलाना आना जाना, बच्चा पार्टी की धूम, जवानों की ईद वतन के नाम, ईद पर भी सियासत, कौन किसके सामने और ईदी किसने मांगी। तो नाजरीन, मुल्क भर में छोटी ईद की बड़ी खुशियां, ईद आई खुशियां लाई, घर घर मेहमानों की आमद और तफरी जारी है। दिन भर घरों में नित नए पकवान बनते रहे, मिठाइयों और केक्स का दौर चलता रहा। शाम हुई तो शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया। अल्लाह के नाम से त्योहार के दिन का आगाज, एक दूसरे को मुबारकबाद। बड़ी तादाद में शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर पहुंचे, फूल चढ़ाए और मुबारकबाद दी। और फिर दिन भर हुआ अल्लाह की नियमतों का चर्चा। खवातीन ने सुबह सवेरे ही किचन का मुहाज संभाल लिया, पहले सिवैया खीर कस्टर्ड बनाया और मोहल्लेदारों में बांटा, फिर बावर्ची खाने बिरयानी कोरमा निहारी पुलाव की खुशबू से महकते रहे। शीर कोरमा बना रही हूँ, घर में सब मेहमान आए हुए हैं, भाभी बहने सब मिलके ईद का दिन एंजॉय कर रहे हैं, पकाने बिरयानी और कढ़ाई बना रहे हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा। ये कैसा मौका है कि आए मिलके बैठे, सारा साल तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये कैसा त्यौहार है कि मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है, और उनकी खिदमत करना या चीजें पका के पेश करना। मेहमान आए मिठाइयाँ लाए, चटपटे खानों के बाद ईद मजीद मीठी हो गई। मैसेज और कॉल्स पर भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी रहा। शाम हुई तो शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया, कोई फिल्म देखने पहुँचा तो किसी ने फैमिली के साथ पार्क में वक्त गुजारा। बच्चा पार्टी का पहले ईदी मिशन और फिर उसे खर्च करने के जतन, बच्चों ने जेब गर्म होते ही तफरी गाहों का रुख कर लिया। कहीं झूलों की सैर तो कहीं पार्कों में मौज मस्ती, खाने पीने के स्टॉल्स पर भी खूब मजे किए। ईद पर बड़ों ने संभाला घर का महाज तो बच्चा पार्टी ने किया तफरी गाहों का रुख। बच्चों ने ईदी मिशन के बाद तफरी गाहों पार्कों और मेलों में डेरे डाल दिए। कराची हैदराबाद सखर शिकारपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद खत्म होते ही तफरी गाहों में रौनकें लग गईं। मुल्तान में भी बच्चों ने कासिम बाग में झूले झूलकर खूब एंजॉय किया। क्वेटा में बच्चा पार्टी मुख्तलिफ इलाकों में लगे मेलों में पहुंच गई। बच्चे खाने पीने के स्टॉल्स पर भी मजे उड़ाते रहे। मुल्क भर में बच्चों ने ईद का पहला दिन भरपूर तफरी में गुजारा। बच्चा पार्टी दिन भर खूब मौज मस्ती करते रहे। ईद की खुशियां, ईद के रंग, पाकिस्तानी अदाकार भी फैमिली के हमरा त्योहार मनाने में है मगन। सुपरस्टार शान शाहिद ने बेटी बहस के साथ ईद की मुबारकबाद दी और फिल्म स्टार मोमर राना ने बीवी के हमरा ने ख्वाहिशात का इजहार किया। ह्यूस्टन में सज्जाद अली शाह ने शानदार परफॉर्मेंस दी, शहरी झूमते रहे। मेले में पाकिस्तान की अदाकारा मीरा ने भी शिरकत की, मद्दाहों की ईद की मुबारकबाद दी। हम्माद शुएब ने ईदी लेने से पहले और बाद का अहवाल बता दिया। कम वसाइल, जितने वसाइल हैं उसमें खुशी जो है वो जरूरी नहीं कि चीज़ों से हो, लोगों से होती, अपनों से होती, अपनों को याद करके होती। परेशान तो है मगर खुशियाँ मनानी होती है, क्योंकि नहीं मनाते तो जिंदगी का क्या फायदा है। ईद का दिन ऐसा होता है कि अपने दुख तकलीफें भूल के अपने प्यारों को जाके सिर्फ एक जफ़ी डाल लें और प्यार करें। जो वक्त गुजर रहा है, जो हालात गुजर रहे हैं इस मुल्क के, तो बेहतर है कि आप जितनी चैरिटी दे सकें तो मीठी ईद है, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ मनाएँ, खुश रहें। सब ह्यूस्टन में एक साथ ईद मना रहे हैं। तो नाजरीन, हो गई शाम, आ गए मेहमान, बनने लगे हैं पकवान। मुल्क भर में ईद भरपूर अंदाज में मनाई जा रही है, घर घर मेहमान आ रहे हैं, बच्चे जो हैं वो ईदी बटोरने और ख्वातीन हैं वो खाने बनाने में मसरूफ हैं। बड़े शहरों में हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। कराची में मौजूद हैं रिजवान अहद और सालिक शाह, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी नीलम अरशद, जबकि क्वेटा में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मुराद। सबसे पहले रुख करते हैं रोशनियों के शहर कराची का, जो कि इस वक्त जगमगा रहा है। रिजवान अहद, बताइएगा इस वक्त क्या माहौल है, क्या कर रहे हैं लोग? जी
जी बिल्कुल, देखिए आज ईद का पहला रोज है और लोग जो दिन भर अपने घरों में रिश्तेदारों से मिलने जुलने के बाद बड़ी तादाद में शहरियों ने मुख्तलिफ मकामात का रुख किया है। मैं इस टाइम बंस रोड के एतराफ पीपल्स स्क्वायर पर मौजूद हूं और यहां भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहां पर अपनी फैमिलीज बच्चों के साथ मौजूद है। खास तौर पे कहा जाता है ईद असल बच्चों की होती है। यहां वाकई ऐसा देख के महसूस हो रहा है कि बच्चों की बड़ी तादाद यहां पर, कोई खाने पीने में मसरूफ है, कोई झूला झूलने में मसरूफ है, कोई दीगर चीज़ों में मसरूफ दे रही है। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगी बेटा यहाँ आए, कैसा लग रहा है आपको लोगों को? अच्छा लग रहा। जी बिल्कुल, कुछ और बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ आए हो, कैसा लग रहा है, क्या क्या झूले आप लोगों ने? बहुत अच्छा लग रहा है इधर, बहुत मजा आ रहा है। आप भी आए इधर, हम लोग बहुत एंजॉय करे इधर खाना। जी यहाँ पर कुछ और बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। कहाँ आए हुए और कैसा क्या? हम लोग पीपल्स स्क्वायर आए, यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे झूले हैं यहाँ पर, खाने पीने के भी बहुत सारी जगह है। आप लोग भी आए अपने बच्चों को ले आए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बड़ी तादाद बच्चों की दिखाई दे रही है और हर बच्चा जो है वाकई में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज ईद का दिन है, क्योंकि दिन भर बच्चों ने ईदियाँ जमा की हैं करने के लिए, घरों से बाहर निकले हैं। कोई फूड स्ट्रीट का रुख कर रहा है तो कोई मुख्तलिफ मकामात का रुख कर रहा है। पीपल्स स्क्वायर पे जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ भी बड़ी तादाद में झूले लगे हुए हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं, कोई जंपिंग कर रहा है, तो हर बच्चा यहाँ पर किसी न किसी खेल कूद में मसरूफ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं जहाँ पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा नीलम अरशद, उनसे जानते हैं। नीलम बताइएगा, बच्चों ने ईदी तो खूब बटोरी, अब इसे खर्च कैसे कर रहे हैं और दावतों का सिलसिला कैसा चल रहा है? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि ईद उल फितर का पहला रोज़ है और ज़्यादातर जो शहरी है उन्होंने दिन का औकात तो घरों में गुजारा, लेकिन जैसे ही शाम हुई है तो मुख्तलिफ जो फूड स्ट्रीट्स हैं उनका रुख किया जा रहा है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की जो मेलोडी फूड स्ट्रीट है यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है मौजूद है और मुख्तलिफ तरह के जो खाबे हैं उन पर हाथ साफ़ किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दिन में मेहमानों की मेज़बानी करने वाले अब खुद मुख्तलिफ तरह के जो खाबे हैं उन पर हाथ साफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चा पार्टी यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि आपने पूछा कि ईदी इकट्ठी हो गई तो ईदी को अब खर्च कैसे किया जा रहा है, तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं अपने साथ जो पर्सेज हैं छोटे छोटे वो हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगी, ईदी कितनी मिली, कैसे खर्च की, कल का क्या प्लान? ईदी मुझे पापा से 1000 मिला, उन्हें मामू लोगों ने भी मुझे दिया 200 और आज हम लोग पार्क गए थे, कल हम लोग शायद सेंटोरस। यहाँ पर क्या क्या खाया, इतना कुछ था खाने को, क्या ऑर्डर किया था? अभी हमने ऑर्डर किया, इंतजार कर रहे हैं, हमने बीफ वगैरह ऑर्डर किया, टिक्के और राइस साथ। बच्चों ने टिक्के भी ऑर्डर किए हैं, जो भिनी भिनी खुशबू है कढ़ाई की, चांपू की, वो भी आ रही है यकीनी तौर पर। और बच्चे भी उनसे बात करते हैं, क्या खाने का दिल है, क्या ऑर्डर किया है? मलाई बोटी। मलाई बोटी, बच्चे का कहना है कि मलाई बोटी। आप ज़रा आए मेरे पास और मुझे बताएं कि क्या ऑर्डर किया है आपने और क्या खाने का मूड है। अभी पूरा दिन तो घर में गुजार लिया, घर में तो डेफिनेटली सवैयाँ भी बनी होंगी, शीर खुरमा भी बना होगा। जी हमने अभी बहुत कुछ खाया, जैसे चावल वगैरह खाए और अभी मेरा मूड था कि कुछ हम स्वीट खा लें। ठीक नीलम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सूबाई दारुलहुकूमत कोयटा का रुख करते हैं, दानिश मौजूद हैं। दानिश बताइएगा, अहलियाने कोयटा कैसा ईद का दिन गुजार चुके हैं और ईद की शामें कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी देखिए, बलूचिस्तान और क्वेटा की जो सूरत हाल है वो मुल्क के दीगर हिस्सों से यकसर मुख्तलिफ है, चूँकि एक कबायली सूबा है, रिवायती सूबा है, तो यहाँ पर जो ईद है वो आम जो दीगर सूबे हैं, दीगर इलाके हैं, इनसे यकसर मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर ईद के दौरान या जो दीगर अहम रिवायती रोज़ हैं इनके दौरान जो रिवायती बैठक हैं ये सजते हैं, लोग आते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त भी हम एक जो सियासी बैठक है इसमें मौजूद हैं। ये बैठक जो है वो किसी आम शख्स का नहीं बल्कि डॉक्टर नाशनास लहड़ी जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के मरकजी रहनुमा है उनसे जानते हैं। पहले तो उनसे बात करते हैं। सर आपको ईद पहले बहुत बहुत मुबारक हो, ये बैठक सजती है, क्या वजह क्या है, खास वजह? सबसे पहले शुक्रिया बोल टीवी का। ये बैठक आज से नहीं, ये रिवायत है, बलूचिस्तान की अपनी रिवायत है। ईद के दिन तमाम लोग मुख्तलिफ सियासी जमायतों के कबायली मुतबरीन सोशल वर्कर जो हैं वो आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और अपना हाल अहवाल देते हैं, क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है। इस वक्त भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे
मुख्तलिफ दोस्त आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और ईद के दिन वो अपने चीज़ों को डिस्कस भी करते हैं। खुशी का दिन है इसको, इस तरीके से। दानिश हमारे साथ ही रहिएगा। कराची का रुख करते हैं एक बार, जहां पर मौजूद हैं सालिक शाह, उनसे जानते हैं। सालिक, बताइएगा आप किस एरिया में मौजूद हैं, और आज ईद का पहला रोज तो गुजर चुका, तो अब दावतों का सिलसिला जारी है, कैसे मनाया कराची के लोगों ने ईद का पहला रोज? जी बिल्कुल, आज ईद का जो पहला दिन था शहरियों ने अपने घरों में गुजारा। उसके बाद शाम के वक्त जो है शहरी निकले हैं अपने दोस्तों के साथ, अहले खाने के साथ, कराची के मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट पर, और खचाखच जिसको कराची की फूड स्ट्रीट है वो भरी हुई हैं यहाँ पर शहरियों से। और यहाँ पर खाबों का सिलसिला जारी है, बारबेक्यू टिक्का और बोटी और कढ़ाइयाँ जो है वो खाई जा रही हैं यहाँ पर। अब अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सकें, यहाँ पर अभी जो जो सीट्स हैं मुकम्मल तौर पर यहाँ पर भरी हुई हैं यहाँ पर, और खाने पीने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। बंस रोड की फूड स्ट्रीट जो कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कराची की जो दीगर जो फूड स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर शहरियों की हमें बहुत बड़ा रश नज़र आ रहा है, क्राउड नज़र आ रहा है, लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ के जो ऑनर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो बताएंगे कि यहाँ उनका यही कहना है कि यहाँ पर पहले रश कम था लेकिन आज के दिन उन्होंने खिलाफ तो यहाँ पर ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। जी मैं सोचा बताइएगा कैसा आज रश मिला है आपको यहाँ पर, पहले तो रश नहीं था? जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि दो महीने से तो आप लोग, दो तीन महीने हो गए बल्कि देख रहे हैं कि बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है, और अब माशाल्लाह कुछ लोग ईद की खुशियों को बहाल करने के लिए दोबारा निकले हैं। अभी भी जो पोजीशन तीन सालों से रही है वो नहीं नज़र आ रही, क्योंकि तीन सालों पहले तो ऐसा था कि यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों की खरीदने की सत्ता इतनी कम हो चुकी है कि उनके पास इतने पैसे हैं नहीं कि बेचारे अपने घर के खर्चे करें। बताइए लोग क्या क्या खाने में क्या ऑर्डर्स कर रहे हैं, ज़्यादातर क्या किस चीज़ का, किस किस्म के लोग आ रहे हैं? देखिए खाने में तो माशाल्लाह हमारे पास जो बहुत आइटम है, हर बंदा अपने हिसाब से ऑर्डर कर रहा है, फास्ट फूड भी। सालिक शाह आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। दानिश मुराद भी हमारे साथ मौजूद थे, नीलम अरशद और रिजवान अहद, आप सबका भी शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। गोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।